सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफी दिनों से ब्लॉग नहीं आया, तो फिर से एक न्यू ब्लॉग मैं आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ। तो इस समय फिलहाल हम लोग हैं भट्ठे पर, जो कि हमारे गांव का सबसे बड़ा भट्ठा, जो कि हमारे पीछे से देख रहा है चिमनी। ये रहा हमारे गांव का डांसर, और ये रहा मेरा गांव का 80% लाने वाला हाई स्कूल में नंबर टॉपर, ये लाने वाला 60% नंबर, और मैं हूँ हाई टॉपर 90% लाने वाला पहला गाँव में लड़का। हाँ पे ये देखिए, ये भी कोरदार है जो कि 60% लाया है। तो गाइज देख रहे हैं हमारे गांव में बैठौनी हो चुका है। तो गाइज देख रहे हैं हमारे गांव का चारों तरफ का ये नज़ारा, जो कि हम सीवान में हैं। सब लोग भाई मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैं एक हूँ ब्लॉगर। आ जाओ, जिसको आना है मेरे ब्लॉग में आना है, आ जाओ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो गाइज हम लोग के साथ में 5-7 लोग और आए हैं, तो दिखाते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, आप लोग चुपचाप से दिखाते हैं उन लोग को, वीडियो में दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, क्या जो वीडियो में बने रहे हैं। मिलते हैं फिर बैक कैमरे से। तो गाइस हम लोग जाते हुए देख रहे हैं मिट्टी पर चढ़ते हुए, एक आ रहे सारे जहुआ कर रहे हैं। तो गाइस देख रहे हैं हम आ गए हैं अपने गाँव के पहाड़ पे, जो कि हमारे गाँव का सबसे बड़ा पहाड़ है, और ये देख रहे हैं हमारे गाँव का सबसे बड़ा चिमनी। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ए रहा चिमनी, ए हमारे गांव का सबसे बड़ा भट्ठा का चिमनी। तो गाइस देख रहे हैं चारों तरफ का नजारा, हम लोग आ गए हैं पहाड़ पे, सबसे बड़ा विश्व का सबसे छोटा पहाड़। ए सारे देख रहे हैं जो वही कर रहा है, जो कि हमारे गांव का परशुराम नेता, जो कि 5 साल में कई बार नेता बन चुके हैं, जो कि हमारे गांव के नेता हैं परशुराम जी। ये देख रहे हैं हमारे गाँव के नेता, जो कि 15 साल से नेता है, और हमारे गाँव का कुर्दार, जो कि कई सालों से साला दलाली करके बैठ पैसा आईफोन चला रहा है, और हम लोग का साला 5000 का मोबाइल चला रहे हैं। देख रहे हैं रहे हो, और ये देख रहे हो कहाँ पे है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मोसड़ी के देख रहे हैं यहाँ पे सब पॉटी कर दिए जाने के लिए, उस पार जाने के लिए जगह ही नहीं। ए नहर जो कि तालाब बन गया हम लोग के गांव में, सॉरी भट्ठे का तालाब है, छोटा सा तालाब। राप्ती नदी बन चुका है हमारे गाँव का, जो कि देख रहे हैं ये राप्ती नदी के किनारे सबसे बड़ा सड़क है, जो कि देख रहे हैं जाके एक हाईवे, मेन हाईवे रोड पे मिल चुका है, जो कि जूमिंग करके दिखाते हैं आप लोग को। देख रहे हैं हाईवे रोड, और हम लोग के साथ में बहुत सारे लोग आए, जो कि काफ़ी आगे देख रहे हैं, आगे बहुत दूरी पर जा चुके। अब उस पार जाने के लिए हम लोग कह जाएँ, अब दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कितना नीचे जाना है हम लोग को, अब कैसे जाएँ आप लोग बताएँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये राप्ती नदी है, और ये दो लोग हैं जो कि साले दलाली करके हमसे दूर चले गए हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को, आगे यहाँ पे एक लड़की आए, उन लोग के चक्कर में साले सब आए हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को।